सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं। तो आज ना दो दिनों से हमारे यहाँ पे तो काफ़ी धूप लग रही है और गर्मी हो गई है बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं आप लोगों को अपना बगीचा दिखाने वाली हूँ और क्या क्या फल वगैरह लगे हुए हैं आजकल हमारे, वो भी दिखाऊंगी। वैसे उतने ज़्यादा तो कुछ लगे नहीं है, पर जितने भी थोड़े बहुत लगे हैं उनको दिखाऊंगी। बाकी साथ साथ में जो भी हमने सेब के पौधे और चेरी की कलमें, नाशपाती की कलमें लगाई है ना, तो उन सबको दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को। तो चलिए ले चलती हूँ आज मैं आप लोगों को अपने बगीचे में। तो चलिए मैं आपको अपना बगीचा दिखाना इस अखरोट के पेड़ से शुरू कर रही हूँ। तो ये है यहाँ पर हमारा अखरोट का पेड़ और इसमें ना हरदीप ने कलमें लगाई थी 3-4। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रही है अभी भी कलमें लगाई हुई, लेकिन ये तो सूख गई है। ये देखिए 3-4 कलमें हैं इस तरह की जो कि सूखी हुई है, इनमें कोई पत्तियाँ नहीं आई है। लेकिन इस वाले पौधे पे हमारे ना एक कलम हमारी लग गई है बढ़िया से। तो ये देखिए ये रही जो कि हमारी अखरोट की कलम है ना, ये देखिए इसके ऊपर ये निकली है, नई पत्तियाँ निकली हैं मतलब। तो ये हमारा ना इस बार नया एक्सपेरिमेंट था, हमने भी पहली बार लाई है अखरोट पे कलम, लेकिन ये कलम हमारी लग गई है। तो आगे से फिर से कोशिश करेंगे, अगले साल सर्दियों में लगाएंगे फिर से कलम। बाकी ये पुरानी टहनी है जो कि ये अखरोट का पेड़ था ना, जो भी इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन एक लग गई है ये भी काफ़ी है हमारे लिए। तो अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी अपने सेब के पौधे। यहाँ पे इस वाले खेत में हमारे सेब के पौधे बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे सेब का पौधा और कितनी सारी पत्तियाँ आई हुई है इसमें ना। तो कोई कोई पौधे तो काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं, तो ये तो थोड़ा छोटा है साइज़ का। इस वाले खेत में पूरे हमारे जो पौधे हैं ना वो सब ये ऐसे बढ़िया हो गए हैं, पत्तों से हरे भरे हो गए हैं एकदम सारे मतलब। और साथ साथ में खेतों में हरियाली दिख रही है। तो ये है घास, तो ये आजकल तो बार बार उग जाती है ये घास, दो तीन बार काटी मैंने इसको, तो जितना मर्जी काट लो ये फिर से उग जाती है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। तो ये खेत ये है हमारे, इसमें है हमारे ये सेब के पौधे। बाकी नीचे को हमारे दो खेत और हैं, तो इन तीन खेतों में है हमारे ये सेब के पौधे। तो सभी में हमारे ये पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अभी नीचे खेतों में ना बहुत सारे घास है, तो यहाँ से तो पता नहीं पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन बीच बीच में दिख रहे हैं पौधे की जो लंबे लंबे हैं और हरे हरे। तो ये रहे हमारे सेब के पौधे और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये। वैसे हाइट इनकी ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो कई कई पौधे हमारे ना ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, तो उनको हमने लकड़ी का सहारा लगा लिया है। तो इनकी हमने कटिंग कम की होगी शायद ना, उस वजह से इनकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई है। इनकी कटिंग करेंगे फिर से, पर सर्दियों में ही करेंगे, अभी तो इनकी कटिंग नहीं करेंगे हम भी। और यहाँ पे एक पौधा और है हमारा, तो ये मैंने बिलपत्र का पौधा लगाया हुआ है ना, तो आज मुझे कुछ ऐसे लग रहा है अजीब से, जैसे मानो इसके पत्ते ना पीले हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तो ये हरा भरा था एकदम बढ़िया से, तो अभी फिर से इसके पत्ते पीले पता नहीं क्यों पड़ने लगे हैं। अभी बारिश भी हो रही है, पानी भी इसको बढ़िया से मिल रहा है। और थोड़े दिन पहले तो मैंने बोला पता नहीं ये सूखी तो नहीं गया, इसमें ये कोई पत्ता नहीं था, तो फिर इसमें नए पत्ते आ गए, बढ़िया हरा भरा हो गया था। और पीले पता नहीं ये पत्ते इसके क्यों पड़ रहे हैं फिर से, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है इसकी। तो अब मैं यहाँ पे आपको अपनी नाशपाती की कलमें दिखाऊंगी। तो ये देखिए नाशपाती की कलमें हमारी कितनी बढ़िया सी हो गई है। तो 1, 2, 3, 4 कलमें हैं यहाँ पे, ये एक दो गई इकट्ठी। तो आजकल ना घास उगी हुई है इतनी ज़्यादा, तो इस घास में ना ये उतनी ज़्यादा दिख भी रही है क्योंकि घास भी काफ़ी लंबी हो रही है और कलमें भी हमारी बहुत ही बढ़िया से ग्रो कर रही है। तो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं ये कलमें हमारी, ये देखिए यहाँ नीचे से लगाई है कलमें यहाँ से, तो काफ़ी हाइट हो गई है इनकी। और साथ में यहाँ पे नीचे में एक नाशपाती की कलम हमारी और है, तो इसमें भी 3-4 टहनियाँ आ गई हैं। तो ये दोनों यहाँ पे ना नज़दीक नज़दीक में ही है, पर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है ये कलमें हमारी। और कलमी पौधे हैं तो इनमें 2-3 सालों के अंदर तो फल लग ही जाएंगे, और बहुत ही अच्छी वैरायटी की नाशपाती है ये। बाकी जब इनमें फल आएंगे ना तो तभी पता चलेगा फिर हमारे यहाँ पे कि मतलब जो वैरायटी हमने लगाई है मतलब उसी तरह के ही फल लगेंगे यहाँ पे भी, कि थोड़ा छोटे साइज के लगेंगे क्योंकि जगह जगह का भी अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। जहाँ से हम इन कलमों को लाए हैं ना वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े साइज की नाशपाती लगती है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं किस साइज की होगी, छोटे साइज की होगी कि बड़े साइज की होगी। और यहाँ पे हमारी केले लगी हुई है पेड़ पे, तो ये अभी अभी पकी नहीं है, तो ये कच्ची ही है, अभी इनका इंतजार भी हो रहा है, रोज रोज देखते हैं हम इनको, ये पकन रही है। और साथ साथ में वहाँ पे हमारा गन्ना भी है पीछे को, तो गन्ना तो हमारा एकदम से बढ़िया हो रहा है। बाकी साथ साथ में यहाँ पे इस वाले पौधे पे सब्जी लगी हुई है आजकल इतनी ज़्यादा, तो सर्दियों में दिखाती थी ना आप लोगों को ये सब्जी बहुत ज़्यादा की, ये हमारी नेपाली क्रासीन है, तो अभी फिर से लगी हुई है इस पर सब्जी, बहुत ज़्यादा सब्जी लगी है अभी फिर से। पर अभी हमने इसकी सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि अगर मैं इनकी सब्जी बनाती हूँ तो मुझे दर्द महसूस हो जाती है मतलब पूरे शरीर में, तब मैंने इनकी सब्जी बनाई ही नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ी हुई है बेल पे लगी हुई है। तो किसी को अगर सब्जी ले जानी है तो आ जाना यहाँ से ले जाना तोड़ करके।
तो अब आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि आगे और क्या क्या है हमारे इस वाले खेत में। और यहाँ पे हमने अरबी बीजी है ना, तो ये अरबी भी हमारी अच्छे से उग गई है। तो मैंने यहाँ पे इस खेत के अंदर जो अभी घास थी ना अरबी के बीच, उसको निकाल दिया है। तो ये बढ़िया से दिख रही है, अभी इनकी निराई गुड़ाई करने को हो गई है हमें, तो घास निकाल दिया, निराई गुड़ाई इनकी हो जाएगी बाद में भी। और यहाँ पे हमारा ये आड़ू का पौधा है ना, तो इस पे भी आड़ू लगे हुए हैं। ये देखिए आड़ू तो इसमें काफी सारे लगे हुए हैं, ये देखिए कितने सारे आड़ू लगे हुए हैं इसमें। और इनमें मैंने ना बादाम की कलमें करनी थी, पर मुझे बादाम की कलम मिली ही नहीं ना, नहीं तो मैंने इनमें बादाम की कलम करनी थी तैयार। ये जो हमारे यहाँ पे आड़ू के पौधे हैं, एक दो पौधे हैं आड़ू के यहाँ पे हमारे, बाकी वहाँ पे पीछे हमारे ना आम का पौधा भी है, तो इसमें भी कलम नहीं लगाई हुई है। तो आम के भी काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं हमारे यहाँ पे, पर इस बार ना इनको कलमें ज़रूर लगाएंगे। अभी बरसात शुरू हो ही गई है, तो बरसात में लगाएंगे इनमें कलमें, लाएंगे कहीं से अच्छे से आम की कलमें। तो इनको मतलब ऐसे नहीं छोड़ना है, तैयार करना है इनको फल देने लायक। और अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको अपनी चेरी की कलमें। तो ये तो इतने बढ़िया से ग्रो कर रही है ना, ये देखिए ये भी चेरी की कलम है, ये भी चेरी की कलम है, ये छोटी सी। और ये जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ना बड़ी सी, तो ये भी चेरी की कलम है, पर ये काफ़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए इसकी मतलब ये जो कलम है भी यहाँ से लगाई है ना, तो कितनी मोटी हो गई है ये भी। और टहनियाँ तो इसने ना काफ़ी सारी छोड़ दी है, तो काफ़ी बड़ी हो गई है ये। और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे पादे के ऊपर लगती है इसकी कलम ना, तो अभी एक दो सालों में हमारे ना चेरी भी लग जाएगी यहाँ पे, बहुत सारी फल लगेंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं अभी फलों के। तो आप लोग भी ज़रूर आना जब हमारे यहाँ पे फल लगेंगे तो। और यहाँ पे मैंने एक पौधा और लगाया है, ये रहा ये देखिए, तो इसके पत्ते देख करके पहचान करके मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि ये पौधा किस चीज़ का है। वैसे मैंने तो इसको अपने हाथों से लगाया है और खुद ने बीज बीजा था मैंने इसका, तो चीकू या की भी इन दोनों में से एक चीज़ का पौधा है ये। ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको, और अभी बहुत ही छोटा सा है ये। तो मैंने तीन चार पौधे लगाए थे लेकिन सभी सूख गए, पर ये एक रह गया है, तो इसको मैं अच्छे से तैयार करूँगी। और यहाँ पर हमारा ये नाशपति का पेड़ है, तो ये बड़ा ही पुराना पेड़ है, ये बुढ़ा हो गया है, लेकिन इसमें ना कितनी ज़्यादा नाशपति लगी है, और हर बार ऐसे ही नाशपति लगती है, इसके ऊपर पूरा भरा हुआ होता है नाशपति से। तो ये तो पक्षियों के भी मज़े लगते हैं खाने के, लंगूरों के भी, और हम भी खा लेते हैं। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना ये संतरे का पेड़। तो इस बारिश पे भी संतरे तो बहुत ज़्यादा लगे थे, लेकिन बारिश वगैरह होती रही और बीच में ओले वगैरह भी गिरे ना, तो उसकी वजह से इस पेड़ की ये वाली साइड जो है ना, ये तो खाली हो गई है, मतलब इसके संतरे झड़ गए हैं नीचे को, लेकिन परली साइड को इसमें भी काफ़ी संतरे लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो अभी इतने इतने ही लगे हैं हमारे संतरे, तो इससे बड़े तो अभी हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको ना बड़े बड़े संतरे भी दिख रहे होंगे। ये देखिए तो ये पिछली बार के लगे हुए हैं ना, तो अभी ये पूरे तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, मतलब हमने इनको निकाला नहीं है अभी, क्योंकि ये कच्चे थे, तो अभी तो ये पकने लगे हैं, पर अभी भी हमने इनको छोड़ा है कि पूरी तरह से पक जाएंगे तभी इनको निकालेंगे, और दो तीन होंगे ऐसे बड़े बड़े ऊपर तक। और साथ साथ में मैं आपको अपना ये गुलाब का पौधा भी दिखा देती हूँ, तो इसमें कितने बढ़िया से फूल खिले हुए हैं, ये देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ है ये, और इतना सुंदर लग रहा है अभी ना। और यहाँ पे ऊपर ऊपर तो इसके ऊपर ये जो फूल खिले हुए थे ना, तो ये मुरझा भी गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूल लगे थे ना, तो फिर जब इनका टाइम पूरा हो जाता है तो इस तरह से सूख जाते हैं ये, मुरझा जाते हैं ये। और ताज़ी ताज़ी कलियाँ भी अभी बहुत सारी है खिलने को, ये देखिए बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं अभी इसमें। और यहाँ पे हमारे शिमला मिर्च के पौधे पे शिमला मिर्च भी लगने लग गई है, ये देखिए। तो चलो थोड़ी बहुत सब्ज़ी हो जाएगी हमें भी अभी। और ये पौधा तो भाभी का पौधा है, तो हमारे तो यहाँ पे ये पौधे बहुत सारे उगते हैं भाभी के भी, इनमें फूल भी आ गए हैं, और साथ साथ में ये बैंगन के पौधे हैं, तो इनमें भी फूल आने लग गए हैं, तो ये भी सब्ज़ी दे देंगे अब हमें। और यहाँ पर है हमारा पालक और चुकंदर, पर यहाँ पर ये पालक की पत्तियाँ खाने शुरू कर दी है, पता नहीं किसने खा ली, पक्षियों ने खाई, पता नहीं कि कोई कीड़ा होता है उसने खाई, देखिए खाली कर दिया है इतने बड़े बड़े पत्ते। ये तो पालक के पत्ते हैं, बाकी ये जो लाल लाल है ना बीच में, तो ये लाल वाले पत्ते हैं चुकंदर के। तो अभी चुकंदर भी मैंने यहाँ से निकाला नहीं है, तो बढ़िया हो गया है ये भी, मतलब इसके नीचे जो लगता है ना गट्ठर चुकंदर का, ये देखिए तो बढ़िया से हो गया है ये भी अभी। और इस पेड़ पर ना संगोत्री लगी हुई थी, तो ये पूरी पीली हो गई, पक गई सारी की सारी, अभी साइज इनका छोटा ही था तो मैंने इनका ध्यान नहीं दिया उतने को, ये पक गई। और यहाँ पे नीचे दिख रही है मुझे एक जो कि सब्जी बनाने के लिए हो जाएगी, तो इस तरह की चाहिए होती है सब्जी बनाने के लिए, एक सब्जी हो जानी थी पूरी ख़राब हो गई है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये बगीचा,
मैंने आप लोगों को दिखा दिया थोड़ा थोड़ा करके। वैसे हर एक पौधे के पास तो मैं भी जा नहीं पाई हूँ, क्योंकि धरती पे घास उगी है तो घास के बीच में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो तब मैंने जो भी बड़े बड़े पौधे थे थोड़ा साइड साइड में थे उनको दिखाया आप लोगों को। बाकी बहुत सारे पौधे लगाए हैं, तो सारे पौधों के पास अगर मैं जा करके दिखाने लगूँगी ना तो मुझे सारा दिन लग जाएगा उन्हीं के पास जाने को ही। तो मैं कब से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को अपना बगीचा दिखाऊंगी, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कि किसी दिन टाइम निकाल करके मैं आप लोगों को अपना बगीचा ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज मैंने टाइम निकाल करके आप लोगों को अपना बगीचा दिखा दिया है। तो आपको कैसा लगा मेरा बगीचा और हमारे ये पौधे, मतलब कैसे ग्रो कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? मतलब मुझे तो लग रहा है कि बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं हमारे पौधे जो हैं। और फिर हमारे यहाँ पे तो इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना, तो यहाँ पे बगीचा तो क्या, यहाँ पे पौधों का जंगल ही बन गया है। मतलब हमारे घर के बाहर ही आंगन के नीचे को इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना, मतलब पौधों के सिवाय यहाँ पे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, खुद से भी कुछ तो लगाए होते हैं लेकिन खुद से भी उगे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा पौधे। तो फिर हम उनको उखाड़ते भी नहीं हैं, हम भी रहने देते हैं, क्योंकि हमें ये छाया भी देते हैं और पशुओं को घास भी देते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं पेड़ पौधों से, और लकड़ी भी मिलती है हमें इन्हीं पेड़ पौधों से, तो तभी हम इनको भी रहने देते हैं। और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और अगर एक पौधा काटेंगे ना तो एक तो ज़रूर लगाना ही लगाना है पक्का, मतलब ये निश्चय कर लेना है कि अगर हम एक पौधा काटेंगे तो एक हम लगाएंगे भी। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे ना तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, और पेड़ पौधे होंगे धरती पर तो हमारी प्रकृति जो है ना ये कितनी सुंदर लगती है फिर देखने को। तो हमारे तो यहाँ पे देखिए आप ना, मेरे पीछे आपको पौधे पौधे दिख रहे होंगे, और हरियाली हरियाली होती है हमारे यहाँ पे तो चारों तरफ को। पहाड़ों में तो ज़्यादातर हरियाली होती है और पेड़ पौधे होते ही होते हैं पहाड़ों में तो। और अगर आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी होगी ना पेड़ पौधों के बारे में, बगीचे के बारे में, तो हमें भी ज़रूर सलाह दीजिएगा, क्योंकि हमने तो इस बार नया नया बगीचा लगाया हुआ है। अभी सेब के पौधे हमने इस बार ना पहली बार ही लगाए हैं, तो इसके बारे भी आप लोग हमें ज़रूर जानकारी देना, मतलब कोई दवाई वगैरह स्प्रे करनी हो तो उसके लिए भी, क्योंकि हमने अभी तक अपने पौधों में कोई भी दवाई स्प्रे नहीं की है। और अभी हमारे पौधे सेफ भी हैं बढ़िया, अभी कोई कीड़ा वगैरह तो लगा नहीं है। पर फिर भी मतलब आप लोगों से सलाह मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो हमें भी ज़रूर बताना। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। वो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।